अनदर व्लॉग। आज हम आए हैं तापी नदी के किनारे बहुत ही खूबसूरत फार्म हाउस है जिसका नाम है नेचर पैराडाइज। और आज हम यहाँ की खूबसूरती, इस फार्म हाउस की खूबसूरती का व्यू आज आपको दिखाने वाले हैं। तो लेट्स सी, आगे देखते जाइए, आपको ये पूरा व्यू आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे, इसका आप आनंद लीजिए। पैराडाइज फार्म हाउस का नाम है जहाँ पे हम अभी आए हुए हैं। इसे खुले हुए कुछ 15 ही दिन हुए हैं, तो इसका काम अभी लगभग पूरा नहीं हुआ है। तो इसका अभी डिज़ाइन का काम या फिर कुछ सेल्फी पॉइंट्स है जो अभी बाकी है होने, तो पर जितना कंप्लीट हुआ है हम उतना आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स सी, देखते हैं आगे कि ये फार्म हाउस है कि खूबसूरत है। यहाँ की तापी नदी है जिसे लगकर ये फार्म हाउस बनाया गया है। तो इसके मतलब तापी नदी के एकदम नज़दीकी है ये फार्म हाउस, तो आप यहाँ की तापी नदी का भी आनंद ले सकते हैं। हमने ऑर्डर किया है स्प्रिंग रोल और साथ में चाय। तो अभी मैं पहले खा लूँगी, स्प्रिंग रोल खाऊँगी, पहले चाय पी लूँगी, फिर बाद में स्प्रिंग रोल खा के फिर अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से मेरे अंदर एनर्जी आ जाएगी। तो इसे स्टार्ट करते हैं। इसे बहुत ही अच्छे से उन्होंने डेकोरेशन करके दिया है। टमाटो है जिसे रोज़ जैसा फ्लावर बनाया है उन्होंने और अच्छे से बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया है। साथ में चटनी है, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। बहुत ही अच्छा, इसके अंदर वेजिटेबल्स है बहुत सारे और चाइनीज फ्लेवर में है, लहसुन की चटनी है। अंदर का नज़ारा ये था, रेस्टोरेंट के बाहर का नज़ारा अब हम अंदर जाके देखेंगे कि वहाँ पे। रूम वगैरह आपको अवेलेबल हो सकते हैं, तो अगर आप वन डे नाइट यहाँ पे रुकना चाहते हो तो ये स्टे के देखते हैं अंदर कैसा है। अभी आपको दिखाते हैं असली नज़ारा जहाँ से पूरा तापी नदी का और ये नेचर पैराडाइज का फार्म हाउस का बहुत ही खूबसूरत नेचर आपको दिख जाएगा। तो देखिए, इस फार्म हाउस में दो बेडरूम अवेलेबल है, एक नीचे वाला है और एक ऊपर के फ्लोर पे है। दोनों भी बेडरूम ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये
बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा टेंट उन्होंने बनाया हुआ है, जहाँ पे आप बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, फ्रेंड्स हैंग आउट मार सकते हैं, या फिर कुछ देर के लिए चाय नाश्ता वगैरह अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, बहुत सारे गप्पे लड़ा सकते हैं यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये यहाँ का व्यू, ये सबसे बहुत खूबसूरत पॉइंट व्यू था। पीछे तापी नदी है और बनने जा रहे हैं, पर एक अभी अवेलेबल है, तो अभी हम आपको वो दिखाते हैं टेंट हाउस अंदर से कैसा है। तो ये है यहाँ का टेंट, ये एक यहाँ पे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टेंट हाउस है जो अभी बाकी बनने जा रहे हैं। तो ये अभी फिलहाल रेडी था, तो अभी हम आपको ये दिखा रहे हैं, वरना यहाँ के जो बाकी टेंट हाउस है जो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, तो अभी वो इससे कुछ अच्छे बेहतर बनने वाले हैं, पर ये यहाँ पे अवेलेबल था तो वो हम आपको दिखा देते हैं। तो ये छोटा सा यहाँ पे टेंट हाउस है, यहाँ पे बेड है, यहाँ पे छोटा सा मिरर है, और यहाँ पे बाथरूम है जो हम आपको नहीं दिखाएंगे। यहाँ पे आपको टॉवल वगैरह मिल जाएंगे, सोप वगैरह भी मिल जाएगा। यहाँ के जो ऑनर है उन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे चंदन के पेड़ उन्होंने लगाए हैं, तो ये आप सामने ही देख सकते हैं, जब आप यहाँ पे एंटर करोगे तो सारे आपको चंदन के पेड़ दिख जाएंगे। अराउंड इस फार्म हाउस में 300 चंदन के पेड़ लगाए हुए हैं, पूरा एरिया चंदन के पेड़ से मतलब भरा हुआ है। ये पूरा प्रॉपर्टी 27 एकड़ में बना हुआ है, ये पूरा फार्म हाउस बहुत ही बड़ा है, पर हम आपको दिखा रहे हैं वन डे में। हम जहाँ पे आए ये बहुत ही खूबसूरत है, देखिए आगे, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं ना, वो वाला पार्ट मुझे बहुत पसंद है, बॉन फायर का, जहाँ पे हम नाइट चिल आउट मार सकते हैं सारे फ्रेंड्स। देखते हैं आगे। आपको नाइट को चिल आउट मारने के लिए फ्रेंड्स, या फिर आपकी वाइफ है, अगर आप यहाँ पे वन डे टू डे या फिर रुकने के लिए आ रहे हैं, तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है यहाँ का। यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अच्छा माहौल होगा, मतलब पूरा सराउंडिंग आजू बाजू का तापी नदी का है, और यहाँ पे बॉन फायर लगाया हुआ है, चेयर्स है बैठने के लिए, यहाँ पे आप अच्छे से चिल आउट मार सकते हैं। तंदूरी चिकन वगैरह भी बना के आप मस्त खा सकते हैं यहाँ पे। अगर आप चिकन लवर हो तो ये जगह आप ही के लिए बनी है, जल्दी से आ जाओ, यहाँ का आनंद लीजिए। ये यहाँ का स्विमिंग पूल, जो अभी फिलहाल उसमें पानी तो नहीं है अवेलेबल, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो ये स्विमिंग पूल है यहाँ का, बहुत खूबसूरत है यार, सच में मुझे बहुत पसंद आया।
पेंट हाउस है। नेचर पैराडाइज बहुत ही खूबसूरत है सच में। ये यहाँ का पूरा इंटीरियर डिजाइन राजस्थान से कारागिर लाए गए थे और उन्होंने बनाया हुआ है। बहुत ही मतलब ये मिट्टी का है शायद, और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत उन्होंने ये जो भी डिजाइन है ये राजस्थानी मतलब याद दिला रहे हैं कि राजस्थान में ऐसा ही होता होगा। यहाँ के दरवाजे भी बहुत ही खूबसूरत है। बाकी का कुछ काम चल रहा है तो हम आपको अंदर का नज़ारा नहीं दिखा सकते, पर आप सोच लीजिए कि बाहर से इतना खूबसूरत है तो अंदर से कितना ही खूबसूरत होगा। इसके आगे बैठने के लिए उन्होंने सेटअप लगाया हुआ है। यहाँ पे आप चाय पी सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, लंच भी कर सकते हैं, और आप गप्पे लड़ाने के लिए सबसे बेस्ट जगह है। इनका जो चेयर है ये चेयर भी बहुत ही खूबसूरत बनाए हुए हैं। इनका जो भी डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये भी बैठने के लिए मतलब ये उन्होंने सोचा होगा शायद, तो उस हिसाब से उन्होंने उनको चाहिए था उस तरीके से, मतलब राजस्थान जैसा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं जोधपुर या तो राजस्थान आ चुकी हूँ, क्योंकि पूरा इंटीरियर उसी तरीके से उन्होंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे भी आके बहुत ही खूबसूरत मतलब बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे आप कुछ वक्त के लिए मतलब चिल मार सकते हैं, मस्त बैठ के आराम कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है यहाँ का। और ये ऊपर वाला डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ का झूमर भी बहुत ही अट्रैक्टिव है। वहाँ पे लाइट अभी तो लगाया हुआ नहीं है पर बहुत ही खूबसूरत है। के लिए आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे सबसे बेस्ट पॉइंट है आपके लिए ट्री हाउस। अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं ट्री हाउस, तो लेट्स सी देखते हैं। अगर आप फोटो लवर है तो आपके लिए ही ये पॉइंट है। मैंने सोचा नहीं था यहाँ पे इतना खूबसूरत नजारा होगा, पर मेरे सोच से बेहद ही खूबसूरत यहाँ पे दिखाई दे रहा है सब कुछ। छोटे छोटे बादल भी है जो इस फार्म हाउस में आप इसका आनंद भी ले सकते हैं। किड समोर ते 14.5 एकर जाके मध्ये वॉटर पार्क पासून तर मैरिज लॉन पासून सारा प्लान आहे तिथे हुए इस प्रॉपर्टी के। दूसरे वाले टेंट हाउस में यहाँ का टेंट हाउस भी बहुत सारे गार्डन से भरा हुआ है। इसके आजू बाजू में बहुत सारे बर्ड्स भी है जिनकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, तो चलते हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत है। वाह, एवढी सुंदर प्रॉपर्टी एवढे वर्ष लपून होती हुए। बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी है ये, और यहाँ का व्यू तो सबसे बेस्ट है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा। नीचे वाला फ्लोर इन्होंने जो बनाया है, नीचे वाला फ्लोर ये पूरा लकड़ी से बनाया हुआ है। लॉक है वो अभी आपको नहीं दिखा सकते, पर हम सिर्फ एंजॉय करने जा रहे हैं ऊपर। चलता फिरता रूम है, मतलब ये गाड़ी बनाया हुआ है उन्होंने, चलता फिरता रूम। ये शायद अभी तो बंद है, मतलब अंदर कुछ वाव खूब सुंदर है।
ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा अपने लाइफ में चलता फिरता रूम, वरना मैंने सिर्फ दूसरे टीवी या फिर कुछ अलग व्लॉग्स वगैरह में देखती तो वहाँ पे दिखाई देता है, पर यहाँ पे मुझे देखने को मिल गया। तो हम आगे मतलब अंदर दिखाते हैं आपको कि कैसा है। ये तो फुल मतलब VIP रूम जैसा ही है। यहाँ पे बेड अवेलेबल है, जो अभी खराब हो गया है उनका काम चल रहा है, तो कुछ दिनों के बाद ये भी आपको इसका भी आनंद आप ले सकते हैं। यहाँ पे तो ये पूरा VIP रूम है और यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम अवेलेबल है, तो ये छोटा सा रूम है जिसका आप आनंद ले सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा, मुझे ये सबसे बहुत पसंद आया। खूब खाई हो तुम थोड़े। यहाँ पे आप छोटा सा जंगल सफारी का ट्रैक भी ले सकते हैं, जो थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा, तो अभी हम तो नहीं जा सकते, पर अभी आप हम आपको यही से दिखा रहे हैं। नकली आती है तो नकली ही आती है ना यहाँ। पूरा बकरा आप यहाँ पे लगा के उसको तंदूर में फ्राई कर सकते हैं इस तरीके से, तो इसका भी आप मजा ले सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं मेन पॉइंट देखने के लिए, शिप अंदर से कैसा है वो हम आपको दिखा देंगे, फिर लास्ट में यहाँ के जो चार्जेस वगैरह है वो हम आपको शेयर कर देंगे। तो लेट्स देखते हैं कि आगे का नज़ारा कैसा है। यहाँ का ये सबसे बेस्ट पॉइंट है जो हम सबसे लास्ट में आपको दिखाने वाले हैं। तापी नदी है, साथ में बोट है, उसे अच्छे से डेकोरेट किया है, वहाँ पे साउंड सिस्टम है, और क्या चाहिए। वाह बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत मजा आ रहा है। साउथ में ये जो सॉन्ग है ना यार, शिफ्ट देखने के लिए, तो अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं कि कैसा है। एग्जैक्टली यहाँ पे साउंड सिस्टम भी आपको मिल जाएगा, आप साउंड लवर हो तो ये जगह आप ही के लिए। यार आ जाओ जल्दी से और देख लो, इसका आनंद लीजिए। देखते हैं कि अंदर का नज़ारा कैसा है। बाहर का बर्थडे पार्टी आप कर सकते हैं, अगर आपकी शादी और वाइफ को आपको सरप्राइज देना है तो ये जगह आप ही के लिए है। जल्दी से आइए और इसका लाभ लीजिए। तो ये बोट के अंदर का नज़ारा है जो इस तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है। इसका भी डिज़ाइन जो है ये भी लकड़ी का इस्तेमाल करके ही बनाया हुआ है, तो ये भी बहुत ही अच्छा। ये कुछ अंदर का रूम है जो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे ऐसे है, बड़ा सा मिरर आपको मिल जाएगा, बड़ा सा बेड मिल जाएगा, और साथ ही इसे अटैच टॉयलेट बाथरूम भी है। यहाँ पे आप हनीमून प्लानिंग कर सकते हैं। आप गोवा जाना पसंद करते हैं, इतना दूर जा रहे हो तो उसी का आनंद आप यहीं पे ले सकते हैं। यहाँ पे आप हनीमून प्लान कर सकते हैं, या फिर आपके समवन स्पेशल के साथ आप यहाँ पे वन डे स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको एक घंटे के लिए आना है तो वो भी अवेलेबल है, आप यहाँ पे एक घंटे के लिए आके भी रुक सकते हैं। तो ये बाहर का व्यू है, कांच है, मैं नहीं गिर जाऊंगी उसके अंदर। अगर आपने कुछ फूड ऑर्डर किया है तो इस काउंटर पे आपको मिल जाएगा, तो जैसे ये पनीर टिक्का वगैरह है, यहाँ पे नॉन वेज भी मिलता है। इस शिप में आपको दो बेडरूम मिल जाएंगे, हमने जो फर्स्ट वाला दिखाया वो फर्स्ट है और ये सेकेंड बेडरूम है, सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम ही है। तो हमने आपको फर्स्ट बेडरूम दिखाई दिया है, तो ये सेकंड बेडरूम है जो सेम फर्स्ट बेडरूम जैसा ही है। और ये किचन है,
अगर आप वन डे के लिए ये पूरा शिफ्ट बुक करना चाहते हो तो ये वन डे के लिए आप पूरा शिफ्ट भी बुक कर सकते हैं। इसके साथ आपको किचन भी मिल जाएगा, आप यहाँ पे कुक भी कर सकते हैं और साथ में पूरी फैमिली के साथ आप इंजॉय भी कर सकते हैं। अगर आपको फ्लावर हो तो यहाँ पे आप कुकिंग भी कर सकते हैं। और ये शिफ्ट का ऑलमोस्ट लास्ट का व्यू है जहाँ से आप पूरा तापी नदी का एंजॉयमेंट ले सकते हैं, पूरा एंजॉय कर सकते हैं। और ये है सबसे बेस्ट पॉइंट इसका, सनसेट का एंजॉय आप यहीं से कर सकते हैं। अगर आप शाम के टाइम पे यहाँ पे चाय की चुस्की के साथ यहाँ पे बैठ के सनसेट का व्यू ले सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो ये शिफ्ट है जो यहाँ का सबसे बेस्ट पॉइंट था जो हम आपको लास्ट में दिखाए। तो सी देखते हैं कि आगे आपको और क्या देखने के लिए मिलेगा। तो ये है नेचर पैराडाइज फार्म हाउस का रेड चार्ट, आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये हमारा ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है। ऑलमोस्ट आपको पूरा फार्म हाउस दिखाई दिया है, बहुत ही खूबसूरत है। आप भी यहाँ पे जल्दी से जल्दी विजिट कीजिए और इसका आनंद लीजिए, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही मज़ा आएगा। हमने ये पूरा दिन में बहुत दौड़ दौड़ के कम्प्लीट किया है। तो ये एक दिन में घूमने के लिए मतलब सुबह अगर आप जल्दी यहाँ पे आ जाओगे तो शाम तक शायद आप कवर अप कर लोगे, पर अगर आप यहाँ पे वन डे रहने के लिए आ रहे हो तो सबसे बेस्ट है। मतलब सनसेट जो है वो भी, उसका भी आनंद आप ले सकते हैं, सनसेट व्यू भी यहाँ से आपको दिख जाएगा। और साथ में यहाँ पे रात में बर्न फायर वगैरह का है जो, जिसका आप आनंद ले सकते हैं। अगर आप नॉनवेज लवर हो तो आपको यहाँ पे रात को ही मज़ा आएगा। तो आप यहाँ पे वन डे या टू डे के लिए भी रह सकते हो और इसका आनंद ले सकते हो। आपको ये नेचर पैराडाइज फार्म हाउस कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपने ये ब्लॉग देख के यहाँ पे विजिट किया उसके बाद भी आप कमेंट कर सकते हो कि हाँ सच में ये बहुत ही अच्छा है। और मैं सच में दिल से चाहती हूँ कि यहाँ पे आप आइए और इन्जॉय कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से नेचर का इन्होंने यूज़ किया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत है ये फार्म हाउस। यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए भी जगह अवेलेबल है, यहाँ पे बहुत सारा कुछ है मतलब जो आप इंजॉय कर सकते हैं। खाने के लिए भी मटन है, चिकन है, वेज भी है। अगर आप खाना पसंद करते हो तो भी यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। अभी हम बहुत थक चुके हैं। तो इसी के साथ हम हमारा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में जल्द से जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।